नमस्कार दोस्तों, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम पांडे और हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख समितियां एवं आयोग के बारे में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे कुछ सोशल लिंक है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने से आपको फ़ायदा रहेगा, वहाँ करंट अफेयर भी डेली अपडेट होता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप टेलीग्राम ऐप सबसे पहले आप लोड करिएगा प्ले स्टोर से जा करके, उसके बाद फिर हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक है उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो आप उसको ऑप्शन आ जाएगा फॉलो करने का, ठीक है। तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा मोजो में हमारे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर आप बाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अनअकैडमी में भी हमारे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यदि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो मतलब वहाँ हमारे सारे वीडियोज़ मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। और इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब हम आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जांच समितियाँ एवं आयोग के बारे में। किसी भी एजेंसी, प्राधिकारी या बड़ी सभा के द्वारा किसी मामले के संदर्भ में उसकी जांच या विश्लेषण के संकल्प के लिए नियुक्त एक व्यक्ति या एक समूह को समिति कहा जाता है। किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी कुछ कार्य को करने के लिए समिति की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो यह व्यक्ति होता है या फिर उसमें समूह रहता है तो उसको समिति कहते हैं। समितियां भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि शासन, समन्वय, अनुसंधान, परियोजना इत्यादि के लिए, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाई जाती हैं, शासन प्रशासन के लिए, कार्यों में समन्वय के लिए, रिसर्च के लिए, और परियोजनाएँ जैसे कि बांध हैं, डैम हैं, रोड हैं, इन सब कंस्ट्रक्शन परियोजनाएँ, इन सब चीज़ों के लिए, और कोई परिघटना हो जाती है उसके लिए भी, ठीक है। राजनीति विज्ञान के आयोग जो शब्द है वो एक बहुआयामी निकाय है जिसे प्रशासनिक या विधायी या न्यायिक प्रकृति के किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। तो आयोग अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, जिसमें प्रशासनिक है, विधायी है, न्यायिक है, इन सभी प्रकृति के बारे में इसमें कार्य के लिए इनको बनाया जाता है आयोग को। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट समिति है, पुराने से नए की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का जो गठन हुआ है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए हुआ है और 1957 में इसका गठन किया गया था। इस समिति ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जल्द ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो सुझाव है वो बलवंत राय मेहता समिति ने ही दिया था, ठीक है। जिसके अनुसार यदि हम देखें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी समिति के रिकमेंडेशन में राजस्थान के नागौर में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ये भी याद रखना है आपको। तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा है राजमन्नार समिति। यह समिति केंद्र राज्यों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए 2 सितंबर 1969 को गठित की गई थी। तमिलनाडु के डीएमके सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, ठीक है। इस समिति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का सुझाव भी दिया गया था तथा 356 के प्रयोग पर जो है लगाम लगाने की सिफारिश की गई थी, मतलब सही समय में उसका प्रयोग किया जाए, हर समय उसका प्रयोग करने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। तो समिति का मत था 356 का जो प्रयोग है केवल राज्य में कानून व्यवस्था के पूर्ण रूप से भंग होने पर ही किया जाना चाहिए, ऐसा राजमन्नार ने कहा था। तो ये है राजमन्नार समिति जो केंद्र राज्यों के बीच जो है विवादों को सुलझाने के लिए 2 सितंबर 1969 को गठित की गई थी, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्मदिन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। अशोक मेहता समिति। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और सामाजिक राजनीतिज्ञ थे अशोक मेहता, जिनकी अध्यक्षता में 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1978 में अपनी यानी एक साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट में केवल 132 सिफारिशें की गई थी। इसमें राज्य में विकेंद्रीकरण का जो प्रथम स्तर था उसको जिला स्तर बोला गया और जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत तथा ग्राम पंचायत की समाप्ति के सुझाव इसमें थे,
इसमें दो ही स्तर थे, ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन किया था अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये जो समिति के जो रिकमेंडेशन थी, जो सुझाव थे, उसको अस्वीकार किया गया। ठीक है, अगला है सरकारिया आयोग। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज रजिंदर सिंह सहकारिया के अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा जून 1983 में सरकारिया आयोग गठित किया गया। इसका जो गठन है वो भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर जो है संतुष्टि देने का लिए किया गया था। 1998 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सलाह लेने के लिए रिकमेंडेशन किया गया था। साथ में राज्यपालों के जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार होते हैं, आचरण होते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए, कदम उठाने के लिए कहा। यदि चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल को सबसे बड़े चुनाव पूर्ण पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया था। बहुमत का परीक्षण राज्य के विधानसभा में होना चाहिए, राज्य विधानसभा में होना चाहिए। ये चार रिकमेंडेशन जो है सरकारिया आयोग ने दिया था। जो इसका गठन कब हुआ था, तो जून 1983 में हुआ था। ठीक है, नरसिम्हन समिति। पूर्व आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में अगस्त 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। इसकी जो स्थापना है भारत में वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं को देखने के लिए बनाई गई थी। व्यापक सिफारिशें इसमें थीं बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार आदि इत्यादि क्षेत्रों में जो है इसकी सिफारिशें की गई थी। इस समिति को व्यापक स्वीकृति मिली। इसकी जो सिफारिशें थी उसमें था वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात में कमी। ये दो चीज़ें जो है हर बैंकों को रखना पड़ता है, तो इन चीज़ों में जो है कमी की गई थी, SLR और CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो और SLR। ठीक है, तो वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात में कमी की इसमें सिफारिशें की गई थी। प्राथमिक क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया गया। ब्याज दरों का इसमें विनियमन किया गया। ठीक है, तो ये है अपना नरसिम्हन समिति जो बैंकिंग से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है। राजा चेलिया समिति। प्रख्यात अर्थशास्त्री राजा चेलिया की अध्यक्षता वाली समिति का गठन 1991 में भारत की जो कर प्रणाली है उसमें सुधार के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए किया गया था। इस समिति द्वारा फरवरी 1992 में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया, अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई। अंतिम रिपोर्ट को दो भागों में बांटा गया जिसमें से एक भाग जो है 1992 में और दूसरा 1993 में प्रस्तुत किया गया। इस जो सिफारिशें हैं, प्रमुख सिफारिशें उसमें पहला है मामूली करों को, करों की जो दर है उनको कम करके व्यक्तिगत कराधान प्रणाली को सुधारना। दूसरा है कॉरपोरेट कर की जो दरें हैं उनमें कमी करना। तीसरा है सीमा शुल्क को कम करके आयातित इनपुट की लागत को कम करना। चौथा है सीमा शुल्क दरों और इसकी जो तर्क संगतता है उसकी संख्या में कमी करना। कर जानकारी को कंप्यूटरीकृत करना और डिजिटलाइज करना। कर प्रशासन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए जो है राजा चेलिया समिति ने जो है बहुत बड़ी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, तो राजा चेलिया समिति जैसे ही आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको टैक्स रिफॉर्म करके याद आना चाहिए। ठीक है, और 1991 में इसको गठन किया गया और 1992 और 93 में इसे रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, लिब्रहान आयोग। इस जांच आयोग को भारत सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो विवादित जो ढांचा है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच के पड़ताल के लिए जो है गठित किया गया था। मनमोहन सिंह लिब्रहान इसके अध्यक्ष थे। रिपोर्ट को 3 माह में प्रस्तुत करना था लेकिन इसका कार्य 48 बार बढ़ाया गया। अंततः प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 24 नवंबर 2009 को लिब्रहान आयोग ने इसका रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया। अपनी 16 वर्ष से अधिक के कार्यवाही में इस आयोग द्वारा कल्याण सिंह आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, मुलायम सिंह के अलावा और ऐसे अन्य कई प्राधिकारियों से पूछताछ की गई। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है लिब्रहान आयोग। रंगराजन समिति। केंद्र सरकार के द्वारा देश में भुगतान संतुलन, ठीक है, की जानकारी की जांच के लिए जो है वर्ष में, यहाँ पर वर्ष का टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1993 में यह जो है उच्च स्तरीय समिति जो है गठित की गई थी। यह अध्यक्ष जो है इसके थे रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर थे डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, इन्होंने जून 1993 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को प्रस्तुत की गई थी। तो ये याद रखना है कि ये जो है भुगतान संतुलन से रिलेटेड है रंगराजन समिति।
बीएन कृष्णा आयोग, ठीक है, इसका जो है ये जांच आयोग का गठन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1993 में हुए बॉम्बे के जो दंगे थे उनके कारणों का पता लगाने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस बीएन कृष्णा। जनवरी 1996 में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार ने इसे भंग कर दिया था। 28 मई 1996 को इसे फिर से पुनर्गठित किया गया और इसकी जो भी रिकमेंडेशन थी उसको सरकार ने अंततः अस्वीकृत कर दिया। अब हम कुछ जो है और लेटेस्ट समितियां देखते हैं शॉर्टकट में। तो सबसे पहला है बीएन कृष्णा, वो पहला वाला। दूसरा है इसके जो पहले था ये था महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। दोबारा इसका गठन ये जो हुआ है वो नागरिकों के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण पर विचार हेतु किया गया था। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा वो इससे आएगा, बीएन कृष्णा समिति किससे रिलेटेड है। यदि ऑप्शन में बॉम्बई दंगे वाला दिया रहेगा तो ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, और ये दिया रहेगा तो वो वाला नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा की सुरक्षा पर आधारित है बीएन कृष्णा, जो अभी सबसे लेटेस्ट है ये। अमिताभ कांत समिति देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। विनोद राय बीसीसीआई के हेतु जो है 4 सदस्यीय प्रशासनिक समिति के गठित करने के लिए ये समिति जो है बनाई गई थी। विनोद राय बीसीसीआई से रिलेटेड है। एल नरसिम्हन रेड्डी समिति जो है 1 रैंक 1 पेंशन योजना पर आधारित है। विवेक देव राय समिति रेल बजट का आम बजट में विलय करने के लिए गठित की गई थी। रतन पी वटाल, ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये समिति जो है गठित की गई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा आप लास्ट के जो हैं। 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला है भारत में कोयले के अनुमानित भंडार में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। तो तृतीय स्थान है छत्तीसगढ़ का। मिकुनु चक्रवात का प्रकोप कौन से देश में देखा गया है, तो इसका आंसर है यमन में उसका प्रकोप है मिकुनु। बस्तर भूषण किसने लिखा है, तो केदारनाथ ठाकुर ने लिखा है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, केदार कश्यप भी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। नवाचारी कृषक राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को मिला है, तो ये मिला है आसाराम नेताम को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद।